नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी फॉर यू में। तो दोस्तों आज की जॉब अपडेट है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। तो दोस्तों पोस्ट है पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स एंड अदर पोस्ट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं फॉर्म को भरने के स्टार्टिंग डेट की। फॉर्म को भरने के स्टार्टिंग डेट है 4 मार्च 2019 और लास्ट डेट है 2 अप्रैल 2019। फी को पे करने की लास्ट डेट है 5 अप्रैल और अगर आप पेमेंट ऑफलाइन करते हैं तो उसकी लास्ट डेट है 4 अप्रैल। फॉर्म की फाइनल सबमिशन डेट है 7 अप्रैल 2019। एग्जाम आपका होगा जून से सितंबर के बीच में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की। जनरल और ओबीसी के लिए ये फॉर्म होगा 500 रुपए का। एससी एसटी फीमेल्स और एक्स सर्विसमैन के लिए ये फॉर्म होगा 250 रुपए का। तो दोस्तों बात कर लेते हैं एज लिमिट की। फार्मासिस्ट ग्रेड की एज लिमिट होनी चाहिए 20 से 35 साल तक। स्टाफ नर्स के लिए है 20 से 40 साल तक। रेडियोग्राफर की है 19 से 31 साल। डायलिसिस टेक्नीशियन की है 20 से 33 साल। एक्सटेंशन एजुकेटर की है 22 से 35 साल। परफ्यूमिस्ट की है 21 से 40 साल और अदर पोस्ट के लिए 18 से 33 साल। यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल और अगर ओबीसी हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। तो 1937 पोस्ट निकाली गई है। तो दोस्तों अब मैं आपको पोस्ट नेम बता देती हूँ। यहाँ पे जो पोस्ट निकाली गई है वो है फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, डायलिसिस टेक्नीशियन, एक्सटेंशन एजुकेटर, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर एंड अदर पैरामेडिकल पोस्ट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पे स्केल की। डायटिशियन और स्टाफ नर्स की सैलरी स्टार्ट होगी 44,900। फार्मासिस्ट ट्रेड और रेडियोग्राफर की होगी 29,200। ईसीजी टेक्नीशियन एंड लेडी हेल्थ विजिटर की होगी 25,500। लैब असिस्टेंट ग्रेड की होगी 21,700 और अदर पोस्ट की बात करें तो वो होगी 35,400। तो दोस्तों बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री इन साइंस, मतलब आपके पास बीएससी होना चाहिए विद केमिस्ट्री। उसके साथ साथ आपका 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। बात करें फार्मासिस्ट ग्रेड की तो कैंडिडेट्स का 12th पास होना जरूरी है, साथ में उनके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए फार्मेसी में। दोस्तों अगर बात करें स्टाफ नर्स का तो कैंडिडेट्स के पास जनरल नर्सिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपको फॉर्म भरते समय लगेंगे। तो आपको चाहिए होगा कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एससी और एसटी सर्टिफिकेट। तो दोस्तों आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन फॉर्म में चाहिए होंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो दोस्तों यहाँ पे आपका होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो दोस्तों फॉर्म भरने की ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, आप वहाँ से जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो बहुत यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की जॉब अपडेट चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं कोई भी नया अपडेट दूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस फॉर्म को फिल कर दिया है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।